नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं इस समय, रामदयाल लाजवंशी जी। उनका परिचय कराएंगे और बताएंगे कि वो लंबे समय से जो है राजनीति में सक्रिय हैं और हर बार टिकट की दावेदारी करते हैं। इस बार भी उन्होंने कहां से टिकट की दावेदारी कर रखी है और क्यों, क्या उन्हें टिकट मिलेगा, पार्टी उनके बारे में सोचेगी। ये फिलहाल निर्णय तो पार्टी करेगी, लेकिन उन्होंने टिकट की दावेदारी कर दी है। तो रामदयाल लाजवंशी जी, पहला सवाल आपसे है कि आप करीब 45 साल से सक्रिय राजनीति में एक भागीदारी निभा रहे हैं, लेकिन जब भी टिकट की बात आती है तो आपके नाम पर पार्टी सहमत क्यों नहीं हो पाती? पहले तो आई इंडिया परिवार को मेरी तरफ से ही भी नमस्कार। पार्टी विचारों से चलती है, पार्टी अपने निर्णय, एक परिवार है, संगठन है, उसमें जो भी तय होता है उस हिसाब से पार्टी तय करती है। पार्टी का एक अनुशासित सिपाही होने के नाते पार्टी का जो भी आदेश होता है वो मेरे लिए मान्य होता है। और जब मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, तब मेरे मन में ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी मुझको जिला पंचायत और विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी। लेकिन पार्टी ने जो हमारे ऊपर ये एहसान किया है, मैं पार्टी के लिए आजीवन ऋणी रहूँगा। आज हमारे बीच में जो प्रदेश स्तर पर जाने जाते थे स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी गुप्त, हमारे बीच में नहीं हैं। उनके मार्गदर्शन में जो हमने सीखा है उसी पर चलने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश के लौह पुरुष कहे जाते थे उस समय आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल को भी मैंने देखा है। उनकी सोच थी गरीब, किसान, नौजवान का उत्थान होना चाहिए। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, दलितों के लिए इस समय कोरोना काल पीछे भी जो चला उस समय भी और वर्तमान में भी जो योजनाएं गरीबों के दरवाजे पर भेजने का काम किया। मैं गांव में जाता हूं, लोग कहते हैं कि हमको तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, चावल मिल रहा है। कहने का मतलब, इतनी विषम परिस्थितियों में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की जनता की चिंता है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने देश की जनता की चिंता है। तो ये बताइए कि रामदयाल लाजवंशी जी, कि आप 2007 में जो मछेटा विधानसभा क्षेत्र था वहाँ से भाजपा से चुनाव भी लड़े थे, इसके अलावा 1995 में आप जिला पंचायत के सदस्य रहे, इस दौर के बाद आप कहाँ गुम हो गए? अब आप कहाँ से आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? मिश्रिक विधानसभा 153 और मिश्रिक विधानसभा से मैंने क्यों आवेदन किया, मिश्रिक क्षेत्र में जहाँ पर श्री दधीच जी ने अपनी हड्डियों को दान में देने का काम किया था और अपने शरीर को चटाकर उनका उद्देश्य था कि क्षेत्र में भाईचारा बना रहे और विकास की गंगा बहे। नैमिषारण जो माँ ललिता देवी जी का स्थान है, जहाँ पर भारत सीतापुर के ही नहीं पूरे भारत के लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जितना विकास नैमिषारण में होना चाहिए था आज नहीं हो सका। मैंने माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी को एक पत्र के माध्यम से लिखा था कि जहाँ पर 84 कोसी परिक्रमा होती है और हर वर्ष हर महीने में मेला लगता है जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं,
माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पत्र को संज्ञान में लिया है और विकास हेतु नैमिषारण्य के लिए मिश्रिक के लिए जो धन भेजा है उससे जो भी विकास कार्य हो रहे हैं ये अलग विषय है। रामदयाल राजवंशी जी, आपकी सरकार है देश में और प्रदेश में, और आपकी ही पार्टी का विधायक है मिश्रिक से, और आप कह रहे हैं वहाँ पर विकास कार्य नहीं हुआ है। पार्टी का विधायक है, ठीक बात है, लेकिन पार्टी के विधायक से आप पूछ सकते हैं। मैं क्षेत्र में जो गया हूँ मैंने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जी। तो ऐसी सूरत में अगर आपको पार्टी मौका दे तो आपकी नज़रों में वहाँ कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो कराए जा सकते हैं? आपको क्या लगता है कि जो मछरेटा जो अब मिश्रिक में शामिल हो चुकी है वहाँ पर कौन कौन से विकास कार्य नहीं हो सके हैं? मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कहा है कि जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी मिश्रिक बल्कि नैमिषारण्य 84 कोसी परिक्रमा में जो भी विकास होने चाहिए और मुझसे जितना कुछ प्रयास हो सकेगा मैं उसको करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी या जहां तक भी माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने के लिए जाऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी या और नगर विकास मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मिश्रिक में नैमिषारण्य में जो विकास होना चाहिए उसमें आपका जो भी सहयोग हो सके कृपया करके मिश्रिक और नैमिषारण्य की जनता के लिए आप अपने स्तर से विकास में सहयोग करने की कृपा करें। और क्या दिखता है वहाँ पर जो विकास कार्य नहीं हुए हैं, कौन कौन से कराए जाने की आवश्यकता है वहाँ पर? जैसे मैं गाँव में जाता हूँ, गाँव में लोग कह रहे हैं कि हमारे वहाँ का जो भी है प्रतिनिधि और जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। गांव में लोगों ने कहा है, मैंने उनसे कहा है कि आप सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराइए, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराइए, उसकी कॉपी आप हमको दीजिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए आयोग का भी निर्देश हम लोगों को मानना है। आयोग का निर्देश ये है कि नए काम शुरू नहीं किए जाएंगे, पुराने पर रोक नहीं लगेगी, इसलिए मैं अपनी बात को जिस स्तर पे पहुंचाना होगा पूरा पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये बताइए कि आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से आपकी भागीदारी रही है, क्या कारण रहा है कि आप विधानसभा का चुनाव भी लड़े, जिला पंचायत के सदस्य भी बने, लेकिन उसके बाद आपको अवसर नहीं मिला, क्या कारण मानते हैं? ये पार्टी का विषय है, पार्टी से आप पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे अवसर मिला। अब वो है किन्हीं कारणों से अवसर नहीं मिला, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी जो आदेश मेरे लिए करेगी मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। इस बार आपकी क्या तैयारी है, आप क्या कहां कहां गए, किससे गुहार लगाए हैं, क्या लगता है आपको? मैंने पार्टी नेतृत्व से अपनी बात निवेदन के माध्यम से पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है और सभी वरिष्ठ जनों ने मुझे ये भरोसा दिया है कि कार्यकर्ता होने के नाते जो भी आदेश होगा वो आपको मानना पड़ेगा। मैंने उनसे निवेदन किया है, उन जो भी हमारे लिए आदेश होगा मैं आदेश मानते हुए एक सिपाही की तरीके से जुटूंगा और जो भी आदेश होगा जहां भी जाने का जहां लगा दिया जाएगा उसमें मैं पूरे मन से तन से, धन मेरे पास है नहीं, पूरा अपना समय देने का प्रयास करूंगा। तो ये थे रामदयाल राजवंशी जी जो 2007 में मछेटा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, और इस बार फिर मिश्रिक से टिकट के दावेदार हैं, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई, साथ ही यह भी आरोप लगाया कि वहां पर जो विकास कार्य होने चाहिए वो नहीं हुए हैं। और ये बड़ी साहस की बात है क्योंकि उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और अब वो टिकट के दावेदार हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर किसी नए मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।